दोस्तों, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 के दशक में एक से बढ़कर एक दमदार अभिनेताओं को देखा होगा, जिन्होंने अपनी फिल्मों में अपने दमदार एक्टिंग, एक्सप्रेशन और अपने एक्शन भरे अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। साथ ही इन्होंने अपनी फिल्म को भी सुपरहिट बनाया था, जिसके चलते दर्शक आज भी 90 के दशक के उन अभिनेताओं को भुला नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 के दशक में नजर आए कुछ अभिनेता ऐसे भी रहे हैं जिनका आज बॉलीवुड में नामो निशान तक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो कौन से अभिनेता हैं जो हिट फिल्में देकर भी आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हैं? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, रजत बेदी। इस लिस्ट के नंबर 10 पर नाम शुमार होता है अभिनेता रजत बेदी का, जो कि कोई मिल गया फिल्म में नेगेटिव रोल करते हुए नजर आए थे और इस फिल्म में ये अपने एक्टिंग और अपने एक्शन भरे अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना दिया था, जिसके चलते ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। और इसके बाद इन्होंने कई फिल्में दी, पर साल 2020 में गोलगप्पे मूवी में नजर आए थे, जिसके बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से ये पूरी तरह से गायब ही हो गए हैं। नंबर 2, नकुल कपूर। अब बात करते हैं अभिनेता नकुल कपूर के बारे में, तो बता दें इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तुमसे अच्छा कौन है फिल्म में अपने दमदार एक्टिंग और अपने जलवे से सभी को दीवाना बना दिया था। और आपको बता दें, इन्होंने तुमसे अच्छा कौन है जैसी हिट फिल्म देने के बाद ये बॉलीवुड से गुमशुदा ही हो गए हैं, जिसके चलते अब इनका बॉलीवुड में नामो निशान नहीं है, पर अब ये कनाडा में सेटल हो गए हैं। नंबर 8, अतुल कुलकर्णी। अब बात करते हैं अभिनेता अतुल कुलकर्णी के बारे में, तो बता दें अभिनेता अतुल कुलकर्णी हैप्पी जर्नी फिल्म में अपनी जबरदस्त एक्टिंग और डायलॉग बाजी की वजह से खूब फेमस हुए थे, पर फिलहाल ये काफ़ी सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हैं और आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें पिछले काफ़ी लंबे समय से किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है और इसी तरह से आज ये फिल्मों से पूरी तरह गुमनाम हो चुके हैं। नंबर 7, साहिब चोपड़ा। अब बात करते हैं अभिनेता साहिब चोपड़ा के बारे में, तो बता दें कि अभिनेता साहिब चोपड़ा चांद के पार फिल्म में अपने दमदार अभिनय प्रदर्शन से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। जी हां, इन्होंने ऐसी ही सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद भी साल 2008 में वफा फिल्म में नजर आए थे और अब इनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में नामो निशान तक नहीं है। नंबर 6, अपूर्व अग्निहोत्री। अब बात करते हैं अभिनेता अपूर्व अग्निहोत्री के बारे में, तो बता दें कि अभिनेता अपूर्व अग्निहोत्री हम हो गए आपके जैसे सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद भी आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं। जी हां, आखिरी बार ये साल 2004 में लकीर जैसी सुपरहिट फिल्म में नजर आए थे। नंबर 5, अयूब खान। अब बात करते हैं अभिनेता अयूब खान के बारे में, तो बता दें कि अभिनेता अयूब खान मेला जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद भी आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब ही हो गए हैं, जो आखिरी बार साल 2016 में संटा बंटा प्राइवेट लिमिटेड फिल्म में नजर आने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। नंबर 4, राहुल रॉय। अब बात करते हैं अभिनेता राहुल रॉय के बारे में, जो कि फिल्म आस्की में अपने दमदार एक्टिंग और एक्सप्रेशन के साथ साथ अपने किरदार को निभाकर काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। साथ ही इनकी फिल्म आस्की भी सुपरहिट गई थी और आखिरी बार ये साल 2019 में कैबरेट जैसी सुपरहिट फिल्म में नजर आए थे, पर इस सुपरहिट फिल्म देने के बाद अभिनेता राहुल रॉय का बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहीं नामो निशान भी नहीं है। नंबर 3, अरमान कोहली। बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम एंड टैलेंटेड अभिनेता अरमान कोहली के बारे में, जिन्होंने जानी दुश्मन जैसी सुपरहिट फिल्में दी और बता दें साल 2015 में ये प्रेम रतन धन पायो जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आए थे, जिसके बाद से तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब ही हो चुके हैं, पर आपको बता दें कि ये एक बार बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक करने वाले हैं। नंबर 2, कुमार गौरव। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेता कुमार गौरव का भी शुमार है, जो कि गैंग फिल्म में अपने एक्टिंग और अपने एक्सप्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को सुपरहिट कर दिया था और इन्हें आखिरी बार साल 2005 में चॉकलेट जैसी सुपरहिट फिल्मों में नज़र आए थे, पर कुछ सालों से तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका नामो निशान भी नहीं है। नंबर 1, रोनित रॉय। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बात करते हैं अभिनेता रोनित रॉय के बारे में, तो बता दें कि अभिनेता रोनित रॉय तहकीकात और भूमि जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी, पर बीते सालों से अभिनेता रोनित रॉय का बॉलीवुड में नामो निशान ही नहीं है। इस तरह से अभिनेता रोनित रॉय भी बॉलीवुड में हिट फिल्में देने के बावजूद भी आज पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे?
आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।